शाहजहांपुर में दबंगों ने महिला के घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ कर दी और पति को जान से मारने की भी धमकी दे दी। पीड़ित परिवार ने कहा कि यदि न्याय नहीं मिला तो थाने के सामने आत्मदाह भी कर सकते हैं। पूरी खबर यूपी से है। यूपी के शाहजहांपुर के थाना सिंधोली का यह पूरा मामला है, जहां पर ईटा रोड के पर लगभग एक दर्जन लोगों ने यहाँ पर महिला रचना सिंह के घर पर हमला बोल दिया और महिला का कहना है कि लगभग 12 लोग उनके घर में अचानक से घुस आए और गाली गलौज करते हुए उनके साथ में मारपीट शुरू कर दी। जब उन्होंने विरोध करा तो उसे भी गंदी गंदी गालियां दी गई, वो घर को में तोड़फोड़ कर दी गई, उसे भी पीटने की कोशिश की गई। पूरे मामले में महिला ने यहाँ पर पति को जान से मारने की धमकी देते हुए जितने भी आरोपी थे वह भाग निकले, ऐसा कहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि यदि उसे न्याय नहीं मिलता है तो वह कोतवाली गेट के सामने आत्मदाह कर लेगी। क्या घटना घटी आपके घर पे? हमारे घर पे संतोष बलवीर बलवेचा लड़का घर पे घुसा है, तोड़ फोड़ के हमारा पति मार देने धमकी देते हैं, पति घूमते हैं। अच्छा, सवेरे हम घर पे है ना, उनके साथ बदतमीजी करी, मारपीट करी, हथियार डंडा लेके घुसे आए हैं, सब तोड़ फोड़ डालो है। अगर हमें न्याय ना मिलो तो हम थाने के सामने ही आत्मदाह कर लें, तीनों परिवार सहित तीनों व्यक्ति। थाने में तहरीर दे दी है हमने, अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम परिवार सहित तीनों व्यक्ति यही थाने गेट पर आत्मदाह कर लेंगे। अच्छा, अगर ये बहुत बलवीर सिंह जो है इनकी काफी पहुंचे, मतलब कोटे वोटेदार हैं और सब कोटेदार कोटा वोटा चलाते हैं, सब अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, हमें जान से मारने की धमकी दी, हमें ढूंढ रहे थे घर पे, हमारे घर पे हमें ढूंढते हुए आए, मारपीट की काफी इनसे बता की तोड़फोड़ की, सब गेट पे तोड़ डाले हमारे। अच्छा, घर पे कौन कौन घुसा? घर पे घुसे हैं बलवीर सिंह चार लड़के और क्या नाम संतोष लड़का, मतलब 10-15 आदमी थे। अच्छा, यही थी घर पे 10-15 आदमी, सारे लोग जानती भी नहीं है। अच्छा, संतोष पड़ोसी है, बलवीर भी इनको जानती है। अच्छा, हाँ, तोड़फोड़ की घर में? घर में काफी तोड़फोड़ की, 100 नंबर वाले आए थे, 100 नंबर वाले वीडियो भी बना के लाए और 100 नंबर वालों को सारी जानकारी भी है। अच्छा, हाँ।